तो चलिए एक कॉन्सेप्ट टेस्ट सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें तीन रिएक्शंस गिवन है और हमें यह बताना है कि इस रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए और 2 मिनट का समय लेकर सॉल्व करिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन में रिड्यूस होता है, वहीं रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्शन में ऑक्सीडाइज होता है। तो अगर हम पहले रिएक्शन की बात करें और इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखें तो हमें पता चलेगा कि रिएक्शन में क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा होगा। वहीं सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है तो सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है तो क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वहीं सल्फर जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यदि हम दूसरे रिएक्शन की बात करें और इसमें आयरन और एल्युमिनियम के ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखें तो हमें कुछ इस तरह मिलता है। ध्यान रहे Fe3O4 एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, यहाँ पर आयरन +2 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। रिएक्शन में एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो हम कहेंगे एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, वहीं आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन में आयरन रिड्यूस हो रहा होगा। तो इस तरह से इस रिएक्शन में Fe3O4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वहीं एल्युमिनियम एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यदि हम तीसरे रिएक्शन की बात करें और यदि हम सोडियम और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें तो हमें कुछ इस तरह मिलता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है तो हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, वहीं सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो इस तरह से इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वहीं सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आई होप अब आप किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को आसानी से पता कर सकेंगे।